अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देख आप सन रह जाएंगे कि किस तरह से अपना ही पैसा निकलवाने के लिए लोगों को पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता देखिए, बैंक के बाहर खड़े लोगों पर बरसाए जा रहे हैं डंडे। अपना ही पैसा पाने के लिए लोग पुलिस के डंडे खाने को हैं मजबूर। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं आजाद भारत के उत्तर प्रदेश की, जहाँ 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगे लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। दरअसल फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे में लोग SBI ब्रांच के बाहर खड़े थे, तभी अचानक यूपी पुलिस के सिपाही को क्या सनक उठी कि इसने लाइन में खड़े लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और एक के बाद एक बिना रुके लोगों पर डंडे बरसाता रहा और तब तक पीटता रहा जब तक कि डंडा टूट नहीं गया। पुलिस की बर्बरता का आलम यह रहा कि अब पिटाई के बाद 3 लोग अस्पताल के बेड पर हैं। पीड़ितों के मुताबिक ये लोग पैसे जमा करवाने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन तभी अचानक वहां तैनात सिपाही उनके पास आया और उनसे बिना कुछ पूछे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी संजय सिंह ने आरोपी पुलिसकर्मी का बचाव करते हुए कहा कि वहां लोग हंगामा कर रहे थे और आरोपी पुलिसकर्मी ने उनके साथ मारपीट नहीं की है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए फतेहपुर SP और किशनपुर CO को सस्पेंड कर दिया गया है। भले यहां थाना प्रभारी अपने पुलिसकर्मी का बचाव कर रहे हों, लेकिन तस्वीरें सब सच बयां कर रही हैं। अगर यहां लोग लाइन में नहीं थे या फिर हंगामा कर रहे थे तो जरूरत थी कि पुलिसकर्मी उन्हें रोके, ना कि उन पर डंडे बरसाए। देखते रहिए DB Live।